दोस्तों सामने आप जो ये काउंटर देख रहे हो ना, काफी बड़ा और काफी प्यारा काउंटर है। जितना प्यारा काउंटर है ना, उतने प्यारे इनके प्रोडक्ट्स भी हैं। दोस्तों मैं आपको एक एक प्रोडक्ट दिखाऊंगा, एक एक डिटेल दिखाऊंगा। तो आपको सबसे पहले तो ये सामने जो साइकिल देख रहे हो ना, थोड़ा इसको लाइटिंग का इशू आ रहा होगा, प्लीज आप इग्नोर कर देना। तो सबसे पहले जो ये सामने आप साइकिल देख रहे हो, इसमें आपको बता दूं कि साइज इसका 27.5 इंच साइज है और 500 वाट की मोटर आ रही है। राइट, 500 वाट की मोटर तो मतलब कहीं कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी नहीं आती। चलो एनी हाउ, स्पीड इज 25 किलोमीटर पर आवर की और बैटरी 720 वाट की इसकी जो है बैटरी आपको मिल जाती है। दोस्तों और डिटेल्स के लिए आप ये QR कोड को स्कैन कर सकते हो, हर एक आपको मॉडल्स के साथ ये मिल जाएगा। मैं बाकी आपको मोटा मोटा ये साइकिल दिखा देता हूँ। दोस्तों काफी ऊंचा मतलब साइकिल है ये, मैं आपको एक बार दिखा दूं। तो आप देख रहे हो मतलब काफी हाइट में काफी ऊंचा साइकिल है ये। और बैटरी का सेटअप आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको इसका बैटरी का सेटअप मिल जाता है और यहाँ पर इसकी लॉक की प्लेसिंग मिल जाती है। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है यार ये कॉन्सेप्ट भी है। और चेन व्हील आपको मैं दिखा दूँ, कुछ ऐसा ही इसके इंटरेस्टिंग से इसके डिजाइन दिए गए हैं। मतलब ये भी मुझे नहीं लगता कि ये इन हाउस अपने इंडिया में कहीं तैयार हो रहा होगा दोस्तों। और कुछ गियर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, ऐसे गियर्स हैं इसमें। ओके, और रियर में आपको ये टेल लाइट भी मिल जाती है इसमें। और ये है इनका अगला मॉडल, इसमें डुअल कलर का यूज किया गया है, जो आपको यहाँ अंदर तो कम पता लगेगा मगर आप इसे अगर बाहर धूप में लेके जाते हो तो बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा कि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। दोस्तों ये आप वायरिंग से अंदाजा लगा सकते हो, यहाँ पर इसकी बैटरी की प्लेसिंग है। अदरवाइज आपको यहाँ पर नहीं पता लगने वाला दोस्तों कि यहाँ पर बैटरी की प्लेसिंग भी दी गई है। तो कुछ ऐसा ये साइकिल आपको साइड से देखने को मिल जाता है इनका। और नेक्स्ट जो कलर है इसमें रेड कलर है और सेम कुछ ऐसे आपको देखने को मिल रहा है। और इसमें आपको एक छोटी सी स्क्रीन भी मिल रही है दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी स्क्रीन मिल रही है। और सामने देख रहे हो तो सामने यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर बेस्ड लाइट्स भी दिख रही है। और यहाँ पर इसकी डिटेल्स मिल रही है, 29 इंच का साइकिल है दोस्तों ये, 500 वाट की मोटर है और 45 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है दोस्तों। 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड साइकिल के साथ, मतलब हैरान हूँ यार मैं वाकई यार, ये कमाल है यार। और ये कंपनी मैं आपको बता दूं कि लुधियाना बेस्ड ही कंपनी है और हम जैसों को फिर भी नहीं पता है कि इससे प्रोडक्ट लुधियाना में भी बन रहे हैं दोस्तों। बैटरी आप देख रहे हो 960 वाट की इसमें आपको बैटरी मिल जाती है दोस्तों। कुछ ऐसे इसके लुक्स है। बाकी चलते हैं अगले मॉडल की तरफ। कुछ अलग सा मतलब अलग सा फील आ रहा होगा इस साइकिल के साथ, आपको देख रहे हो ना क्यों फील अलग आ रहा है, क्योंकि इसमें जो कलर है ना आपको पूरा मैट सा कलर लुक्स में आ रहा है, मैट लुक के साथ आ रहा है दोस्तों ये। और इसमें आपको एक और चीज नजर आ रही होगी, सामने ये मोबाइल लगा है। भाई मोबाइल साइकिल के साथ नहीं मिलेगा, ये मोबाइल एक तरह होल्डर है और इसमें कोई एप्लीकेशन वगैरह का लिंक है जो साथ में मिल जाता है दोस्तों। और इसकी डिटेल्स मैं आपको सामने से दिखा दूं एक बार। तो ये साइज जो है इसका 700C लिखा हुआ है, 700C समथिंग है। मोटर जो है 250 वाट की मोटर है, 25 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है और बैटरी 378 वाट की इसकी बैटरी आपको मिल जाती है दोस्तों। फ्रंट में यहाँ पर आपको इसकी लाइटिंग मिल जाती है, ये लाइट है, आपको पता भी नहीं लग रहा है दोस्तों इसमें वाकई में लाइट्स भी आपको है या नहीं है। नेक्स्ट मॉडल है दोस्तों ये वाला, ब्लूश कलर है इसमें, लाइट ब्लू कलर है, कुछ ऐसा एस्ट्रा मॉडल है ये। और यहाँ पर इसकी की प्लेसिंग है और ये इसकी वायरिंग है, वायरिंग को भी अच्छे से कवर किया गया है ताकि कस्टमर को किसी तरह की इसमें देखने में जो है रफनेस नजर ना आए दोस्तों। इसमें फिनिशिंग को पूरा ध्यान रखा गया कंपनी की तरफ से। सेम एस्ट्रा में ही आपको दूसरा इसका कलर मिल जाता है, डुअल कलर, डुअल टोन कलर है दोस्तों ये। वाह क्या हैंडल है यार, मतलब हैंडल से ही आप बड़ी बड़ी गाड़ियों के स्टेयरिंग तो प्रीमियम सुने ही थे मगर साइकिल के हैंडल भी ऐसे हो सकते हैं यार, कमाल है यार वाकई में। और ये जो आप ग्रिप देख रहे हो ना, इसे पकड़कर आपको बिल्कुल फील नहीं आएगा कि आप कोई साइकिल का ग्रिप पकड़ रहे हो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप किसी हाई क्लास कार का कोई स्टेयरिंग है जो आपने इसे पकड़ा हुआ है दोस्तों। और इसका एक्सीलरेटर पार्ट देख रहे हो, सिर्फ ये इतना सा ही एक्सीलरेटर पार्ट है दोस्तों ये, आप ये देख रहे हो। और ये गियर चेंज नॉब है और यहाँ पर आप देख रहे हो ये इसके अलग इसके बटन है। ओके वाह, बाकी यहाँ पर इस वाले साइकिल में भी आपको यहाँ पर एक छोटी सी स्क्रीन भी है दोस्तों ये, वैसे आपको ये पता नहीं लग रहा होगा मगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर ये एक छोटी सी स्क्रीन भी मिल जाती है इसमें। तो दोस्तों ये है इनका नवयुग नामतारी इको ड्राइव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो है स्टॉल है और ये इनके सारे प्रोडक्ट्स है, डिटेल्स है दोस्तों।
दोस्तों कोई भी वीडियो में कोई भी आपको कुछ अगर मैं मिसगाइड कर रहा हूँ तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे जरूर बता देना, ताकि आपको मैं सही इन्फॉर्मेशन दे सकूं। बाकी मुझे भी पूरा नहीं पता रहेगा, जितना मुझे पता रहेगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करता रहूँगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को चलते चलते प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को मैं आपके साथ जरूर शेयर करता रहूँगा। दोस्तों सामने आप जो नाम पढ़ रहे हो ना, जीके राजेश इंटरप्राइजेस, दोस्तों ये कंपनी लुधियाना बेस्ड कंपनी है और इससे आप पता लगा सकते हो कि लुधियाना साइकिल मैन्युफैक्चरिंग में कितना बड़ा हब है। दोस्तों हम खड़े हैं इस वक्त दिल्ली प्रगति मैदान में, मगर उसके बावजूद भी यहाँ पर मोस्टली जो मैन्युफैक्चरर हैं लुधियाना से ही मिलेंगे दोस्तों, और ये साइकिल और ईवी मैन्युफैक्चरर ही हैं दोस्तों। ईवी के स्टेट में कहूँ तो जीके का अच्छा खासा नाम है दोस्तों ये। बाकी आपको दिखा दूं तो इनका स्टॉल कुछ ऐसा है, इनका स्टॉल है और इनके जो मॉडल्स हैं कुछ ऐसे इनके मॉडल्स आपको दिख जाते हैं सामने से। और मेरे सामने ही जो इनका एक खड़ा है, आप ये देख रहे हो, आप इस मॉडल को आपको कहीं से देखने से नहीं लगेगा पता कि ये इलेक्ट्रिक है दोस्तों, मगर आप पास से देखोगे ना, पास से तो आपको ये काफी हेल्दी और काफी बल्कि नजर आएगा। इसका रीजन है इसमें आपको बैटरी मिल जाती है और यहाँ पर आपको इसकी मोटर मिल जाती है दोस्तों, और दोनों आपको इसमें डिस्क ब्रेक ही मिलती है दोस्तों। कमाल है यार। तो दोस्तों मेरे सामने अभी जो आप ये काउंटर देख रहे हो ना, काफी बड़ा और काफी प्यारा काउंटर है दोस्तों। ये काफी प्यारा क्यों है, क्योंकि चारों तरफ से आपको ये क्लोज्ड काउंटर मिल जाता है और बहुत प्यारा है, और कंपनी ने काफी अच्छा खासा खर्चा किया है, तो लिहाजा इनके प्रोडक्ट्स भी हमें जरूर देखने चाहिए। तो चलो आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो, ये इनका बारकोड है, आप इसे स्कैन करके आप इनकी डिटेल्स जो है यहाँ से ले सकते हो, और वन बाय वन आपको मैं एक बार प्रोडक्ट दिखा दूं। तो सबसे पहले आप देखते हो कुछ ऐसे साइकिल्स, ये इनका एक मॉडल है। ओके, मॉडल की डिटेल आप देख सकते हो नीचे, आपको यहाँ पर 24 स्पीड ऑरेंज साइकिल है दोस्तों, मतलब यहाँ पर आपको लिखा रहेगा। और नेक्स्ट है इनका ये वाला साइकिल है, और इसमें आपको M20 29 इंच 21 स्पीड ग्रे येलो कलर। ओके, आई थिंक ग्रे येलो नहीं, कुछ गलत लिख दिया होगा कलर, चलो एनीवे। ओके, और नेक्स्ट आप इनका जो मॉडल देख रहे हो, ये इनका मॉडल है, इस मॉडल की मैं आपको अगर डिटेल्स बता दूं, 21 स्पीड टर्बो। ओके, कुछ ऐसी इसकी डिटेल्स है दोस्तों, आप पाउंस करके आप एक बार सारी डिटेल्स को है जो आप पढ़ सकते हो। और ये इनके सारे, ये इनका एक मॉडल है, ये इसकी आपको मैं लुक्स दिखा देता हूँ कि कैसे इसके लुक्स हैं। ये सामने आपको सस्पेंशन मिल जाते हैं, डुअल सस्पेंशन हैं, और कुछ रियर में आपको इसमें कुछ ऐसे आपको लुक्स मिल जाते हैं, और गियर्स के साथ आता है दोस्तों। ये मोस्टली साइकिल्स इनके गियर्स के साथ ही आएंगे, 21 स्पीड मॉडल है दोस्तों, ये 21 गियर्स का वाला मॉडल है ये। और चेन देख लो, काफी पतली सी और सिंपल सी चेन है यार, आई थिंक, चलो एनीवे, कंपनी की R&D है ये। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है इसकी सैडल आप देख रहे हो, काफी स्लीप और स्लिम सी सैडल है इसकी, काफी प्यारी सैडल है दोस्तों। और अगला मॉडल आप देखते हो तो अगला मॉडल है X30 हाइब्रिड 24 स्पीड वाइट कलर में दोस्तों ये। और टायर आप देख लो, काफी स्लिम से टायर है दोस्तों इसके, काफी स्लिम है। इवन मैं आपको कहूंगा इसका व्हील है, व्हील भी थोड़ा सा आपको इसका बल्कि नजर आ रहा होगा, मगर टायर इसके काफी स्लिम सा है दोस्तों। डिटेल्स आप देख सकते हो, पाउस करके आप सारी डिटेल्स जो है इनकी यहाँ से रीड आउट कर सकते हो दोस्तों। और व्हाइट कलर में ये काफी डैशिंग नजर आ रहा है दोस्तों ये। और आपको हैंडल का डिजाइन दिखा दूं, तो आप हैंडल डिजाइन देखते हो तो कुछ ऐसा आपको हैंडल का डिजाइन मिल जाता है, मतलब आपको चलाते वक्त भी आपको फील नहीं आएगा कोई आप लाइट व्हीकल चला रहे हो, क्योंकि काफी प्यारा डिजाइन आपको इसमें मिल जाता है दोस्तों। और ये मैट फिनिश के साथ ही आता है दोस्तों, फ्रंट से आप देखते हो तो कुछ ऐसे आपको लुक्स मिल जाते हैं दोस्तों, काफी पतले टायर्स है इसके, प्यारे टायर्स है दोस्तों। अगला आप देखते हो तो कुछ ये वाला मॉडल आपको मिल जाता है, ये वाले मॉडल में आपको इसकी डिटेल्स जो है यहाँ पर आपको मिल जाती है दोस्तों, ये सारी इसकी डिटेल्स है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे सामने जो मॉडल है वो ये टोरंटो का ये वाला मॉडल है, नियाग्रा 29 इंच 21 स्पीड रेड सिल्वर, ये इस मॉडल का नेम है। और
लुक्स आप देख रहे हो, काफी प्यारे लुक्स हैं इसके भी, और डिटेल्स आप देख सकते हो यहाँ पर, इसकी डिटेल्स आपको मिल जाती है दोस्तों। कुछ ऐसी इसकी डिटेल्स है जो आप पाउज करके इन्हें पढ़ सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट अभी जो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, इस तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप देखते हो कुछ ऐसा ये साइकिल है, ग्रे कलर है दोस्तों, काफी प्यारा कलर लग रहा है ये। और टायर्स आप देख रहे हो, आपको नॉर्मल टायर्स से आपको थोड़े से बड़े टायर्स आपको मिल जाते हैं इसमें, थोड़े से बड़े टायर्स। नेक्स्ट आपको बता दूं दोस्तों, नेक्स्ट जो मॉडल है ये वाला मॉडल आपको मिल जाता है, और इसमें रेजर 29 इंच 21 स्पीड रेड, ये इसका मॉडल है। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं, और इसकी डिटेल्स आप देख रहे हो यहाँ पर, आपको इसकी डिटेल्स मिल जाती हैं। नेक्स्ट साइकिल जो आप देख रहे हो, नेक्स्ट ये वाला साइकिल आपको येलो ग्रे और ब्लैक कलर के मिक्सचर के साथ आ जाता है, और सामने से आप देख रहे हो कुछ ऐसा आपको मिलता है ये। और ये इसकी डिटेल्स सारी की सारी, जो भी डिटेल्स हैं जो आप इन्हें पाउज करके दोबारा मैं कह रहा हूँ पढ़ सकते हो। ये है नियाग्रा 29 इंच 21 स्पीड येलो ग्रे, सेम आई थिंक सेम मॉडल्स ही है ये भी। तो दोस्तों ये थे टोरंटो के मैक्सिमम मॉडल्स जो कि हम कवर कर चुके हैं, और इनकी डिटेल्स मैंने आपको साथ साथ दिखा दी हैं। कोई भी तरह की क्वारी हो, डिटेल्स हो, तो आपको मैं इनका लिंक जो है, डिटेल्स जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप इनसे बात करके आप अपनी क्वारीज को क्लियर कर सको दोस्तों।